बीजेपी के पितृपुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बीजेपी ने बूथ स्तर तक पौधारोपण किया, जहां इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पौधारोपण कर मुखर्जी को याद किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने समिधा पार्क पहुंचकर पौधारोपण किया। यहां समिधा पार्क में दिवंगत नेताओं के नाम 21 पौधों का रोपण भी किया गया। इस दौरान 11 पंडितों ने मंत्रोच्चारण किया। यही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के हर बूथ पर पौधारोपण किया। पौधारोपण और माल्यार्पण कार्यक्रम के बाद सीएम शिवराज ने पुण्य स्मृति में पौधारोपण से अच्छा कोई और काम न होने की बात कही। साथ ही साथ सीएम शिवराज ने दिवंगत बीजेपी नेताओं को याद भी किया। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जी हमारे, उनको पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। राष्ट्रव्यापी अभियान है, इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे, मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक हैं, उनके बलिदान दिवस से लेकर जन्मदिन तक ये वृक्षारोपण का अभियान हाथ में लिया है और आज हम धन्य हुए हैं अपने उन नेताओं के नाम पर वृक्षारोपण करके जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में अपने परिश्रम और पसीने से सींचा था, पुष्पित और पल्लवित किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति हो, कुशाभाऊ ठाकरे जी की, प्यारेलाल खंडेलवाल जी की, नाना साहब की, कैलाश सारंग जी की, श्रद्धेय जोशी जी, पटवा जी, गौर साहब, सारे जो हमारे प्रमुख नेता थे उनके नाम पर भी हमने वृक्षारोपण किया। उनकी पुण्य स्मृति में इससे बड़ा काम और कोई हो नहीं सकता। वृक्ष ही ऑक्सीजन प्लांट है, वो पर्यावरण बचाने का काम करेंगे। ये काम केवल आज के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है, इसलिए मैं पार्टी का अभिनंदन कर रहा हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी राजधानी स्थित राजा भोज विद्यालय परिसर पहुंचकर पौधारोपण किया, जहां उन्होंने पौधारोपण को पर्यावरण के लिए जरूरी बताते हुए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की बात कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है नड्डा जी के निर्देश पर कि हर पोलिंग बूथ पर जहाँ व्यवस्था हो सके वृक्षारोपण जरूर करें। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पर भी कार्यक्रम हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पोलिंग बूथ पर, सार्वजनिक स्थानों पर या लोगों के निजी स्थान पर वृक्षारोपण हो, क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए अवेयरनेस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की माने तो पूरे प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर 11 पौधे लगाने का संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से लेकर 6 जुलाई जन्म जयंती तक जो अभियान लिया है, उसमें वृक्षारोपण का अभियान पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ पर 11 पौधे लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में लिया है। इसलिए आज भोपाल की इकाई को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज यहां पर जो वृक्षारोपण हुआ, 21 पौधे यहाँ पर इस पार्क में भोपाल की इकाई ने आज यहाँ पर लगाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा और खड़ा किया, ऐसे लोगों की स्मृति में, साथ में ही कोरोना के अंदर भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो हमारे चले गए उनकी स्मृति में आज वृक्षारोपण का अभियान लिया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में लगभग 68,000 बूथों तक कार्यकर्ता 11 पौधे लगा करके आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि और आगामी जन्म जयंती तक इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। बीजेपी आने वाले समय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से जयंती तक पौधारोपण कार्यक्रम चलाएगी, जहां बीजेपी कार्यकर्ता हर बूथ पर पौधारोपण कर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।